हमारे देश के आजादी का जो आंदोलन था उसमें जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, खासकर कांग्रेस से जुड़े हुए नेता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम तो जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, और ये सारे लोग जिनके नेतृत्व में काम कर रहे थे महात्मा गांधी। असल में देखा जाए तो इन लोगों ने ही देश के आज़ादी के आंदोलन की दिशा तय की और उसमें किस किस्म का देश भारत को बनाएंगे वो सपना देखा गया था। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य साथियों का जो एक समूह था, जो थोड़ा अतिवादी रास्तों पे चलने में विश्वास रखता था, उसके भी मूल्य कुल मिला के वही थे जो जो कांग्रेस के नेताओं के थे। रास्ता भले ही फर्क हो, या फिर डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे उसकी भी कल्पना लगभग उसी तरह की थी जो कांग्रेस के नेता चाहते थे, वह इसके कि उनका जोर इस बात पे था कि हिंदुस्तान में सदियों से जो दलितों का शोषण हुआ है वो इस बात की गारंटी चाहते थे कि आज़ादी के बाद ये शोषण खत्म होगा, ऐसा ना हो कि आज़ादी के बाद भी आज़ाद भारत में भी दलितों का शोषण होता रहे। ये एक मतभेद का मुद्दा ज़रूर था, लेकिन इसके अलावा जिस तरह का संविधान बनाया गया उसमें इन सारे समूहों की सहमति थी। इसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं थे तो वो थे, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया सिवाय सावरकर के, जो जेल गए लेकिन ये भी सत्य है कि जेल से माफी मांग के निकल आए। और इसकी तुलना में कांग्रेस या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के समूह के लोग या और कोई अन्य लोग जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, और कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि कोई अंग्रेजों से माफी मांग के जेल से निकला हो, बल्कि जेल जाना लोग अपना सम्मान समझते थे और आंदोलनकारियों के लिए जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं वो संघर्ष से हमेशा कतराती हैं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता किया, सावरकर का पूरा पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि वो अंग्रेजों का साथ देंगे और इसके बदले में वो चाहते थे कि उनको जेल से रिहा किया जाए, उन्हें किया भी गया। तो आज एक बड़ी विचित्र बात ये हो गई है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी लड़ी, जिन लोगों ने इस देश की दिशा तय की कि ये देश कैसा बनेगा, जिनके मूल्य हमारे संविधान में समाहित किए गए, हमारा संविधान साफ तौर पे ये कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अवधारणाएं इसमें बाद में जोड़ी गई इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसका एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में ही इसकी कल्पना की गई है और एक समाजवादी मुल्क के रूप में ही इसकी कल्पना की गई है, क्योंकि हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार है। हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों पे लोगों के अधिकार की बात कही गई है, उसको कंपनियों द्वारा उस पे मुनाफा कमाने की खुली छूट की बात संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उन पे मुनाफा कमा के देश का विकास किया जाए।
उस पे लोगों के अधिकार की ही बात है। तो ये तय है कि धर्म निरपेक्षता और समाजवाद हमारे संविधान के मूल में थे, भले ही इनको बाद में जोड़ा गया, लेकिन हम लोकतंत्र थे, हम संप्रभु राष्ट्र थे और हम एक गणराज्य थे, ये बात शुरू में ही तय हो गई थी। और अपने नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता और हर एक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व, ऐसी कल्पना की गई थी कि ये हर एक नागरिक को प्राप्त होंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। और इस आधार पे देश का निर्माण हुआ। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, उसको पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान ने तय किया कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। इसके बावजूद भारत ने तय किया कि यहाँ पे किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं होगा, सभी धर्मों को मानने वालों का आदर किया जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कि हमारे नेताओं का इस बात में विश्वास था, गांधी जी की प्रार्थना सभाएं हैं जिसमें हर एक धार्मिक पुस्तक से कुछ अंश पढ़े जाते थे। और जब किसी ने एक उनकी सभा में कुरान से पढ़े जाने का विरोध किया तो गांधी जी ने उससे कहा कि मेरी सभा में तो ऐसा ही होगा, आप इसमें शामिल न होना चाहें तो ये आपका निर्णय है। तो गांधी जी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। हिंदुत्ववादी लोग गांधी जी पे आरोप लगाते हैं कि गांधी इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन देखा जाए तो गांधी आखिरी दम तक बंटवारे के विरोधी रहे। अगर गांधी बंटवारे के विरोधी न होते तो आप बताइए 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी का दिन था और सत्ता हस्तांतरण हो रही थी अंग्रेजों से भारतीयों को, लॉर्ड माउंटबेटन रात को 12 बजे सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू को, इतना बड़ा कार्यक्रम जिसका सपना इतने दशकों से देखा गया था, करीब करीब एक शताब्दी से, 1857 में पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, और 47 में जब देश आज़ाद हुआ, जब वो सपना पूरा हुआ एक शताब्दी का, तो उस कार्यक्रम में आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। वो नोआखाली में थे, सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब है कि जिस तरह से देश आज़ाद हुआ उसमें गांधी की सहमति नहीं थी, गांधी उससे खुश नहीं थे। और उसमें कौन नहीं था? उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं थे, क्योंकि जो समाजवादियों का पूरा समूह था, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, हालांकि आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, ये हिंदू महासभा या आरएसएस की तरह उससे अलग नहीं रहे, या कम्युनिस्टों की तरह उससे अलग नहीं रहे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो संविधान सभा बन रही है वो विशिष्ट लोगों की बन रही है, उनकी मांग थी कि संविधान सभा का निर्वाचन सामान्य मताधिकार से किया जाए, तो देश की सारी जनता वोट डाले और उससे संविधान सभा बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने ये तय किया कि वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, ये उनका निर्णय था, देश का विभाजन उनको मंजूर नहीं था। इसलिए लोहिया भी गांधी के साथ नोआखाली में थे, वो भी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। और एक और व्यक्ति जिसका नाम बड़े आदर के साथ हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद पाकिस्तान में जेल में रहा इस बात के लिए क्योंकि उसको द्वी राष्ट्र का सिद्धांत मंजूर नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ खान अब्दुल गफ्फार खान की, जो पाकिस्तान में रहते हुए जिनको पाकिस्तान स्वीकार नहीं था और उन्होंने विभाजन का विरोध किया,
तो ये सारे वो लोग थे जो विभाजन का विरोध कर रहे थे। इसके विपरीत हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग से पहले देश के बंटवारे की मांग कर दी थी। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत पहली बार 1937 में विनायक दामोदर सावरकर ने अहमदाबाद में हिंदू महासभा की एक बैठक में अपने भाषण में इसका प्रस्ताव रखा था। तो ये हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे कट्टरपंथी संगठनों की सोच थी कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, नहीं तो आप पूरा आज़ादी का आंदोलन उठा के देख लीजिए, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व से लेके 1857 में, उसके बाद आपको तमाम ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें अशफाकुल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग भाइयों की तरह साथ में मिलके देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं और अंततः देश को आज़ादी मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो आजकल फैलाई जा रही है कि आज़ादी का आंदोलन मुख्य रूप से हिंदुओं का आंदोलन था जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हकीकत तो ये है कि जो हिंदुत्ववादी थे, आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे हिंदू शामिल थे जैसे कि मुसलमान शामिल थे, लेकिन जो हिंदुत्ववादी थे, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे, वो लोग शामिल नहीं थे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को अयोध्या में ये कहना पड़ता है कि जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वो आज़ादी के आंदोलन जैसा आंदोलन था। उनको इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उनको इस बात का अपराध बोध है कि आरएसएस और हिंदू महासभा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपने आप को सत्ता में होने के लिए वो इस बात से जायज ठहराते हैं, इस तरह से जायज ठहराते हैं उस बात को कि उन्होंने भी किसी आंदोलन में हिस्सा लिया और उसकी तुलना वो आज़ादी के आंदोलन से करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से गांधी के साथ सारा भारत हो गया था आज़ादी के आंदोलन में, उसी तरह से राम मंदिर आंदोलन में भी लोग साथ में आ गए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ 1992 में, तो इस देश में बहुत सारे लोग थे जो उसके खिलाफ थे। मुलायम सिंह की सरकार उसके पहले जो थी वो नहीं चाहती थी कि मस्जिद गिरे। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को रोक दिया था बिहार के अंदर। इसमें सिर्फ आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग शामिल थे, देश का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का भी इसमें शामिल नहीं था। अयोध्या के अंदर जब ये 1949 में राम की मूर्ति रखी गई बाबरी मस्जिद के अंदर, तो अक्षय ब्रह्मचारी नाम के साधु ने जो कांग्रेस में भी थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पे लखनऊ में अनशन किया इस बात के लिए कि ये गलत तरीके से मूर्ति रखी गई है और इसको निकाला जाना चाहिए। तो नेहरू खुद इसके विरोध में थे, हालांकि फैजाबाद के डीएम नैयर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत उसके विरोध में नहीं थे, इसलिए वो मूर्तियां वहां रख दी गई और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और राजीव गांधी के ज़माने में आके वहां का ताला खोल दिया गया। और फिर तो सारा इतिहास देश के सामने है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के में आने के बाद इस देश के सभी संस्थानों को प्रभावित किया, उसमें ऐसे लोगों का वर्चस्व हुआ जो हिंदुत्ववादी विचारों को मानते थे या उससे सहानुभूति रखते थे, और फिर न्यायालय के फैसले से एक मंदिर बनाने का वहाँ पे निर्णय हो गया जिस जमीन पे पहले मस्जिद खड़ी थी। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य है धर्मनिरपेक्ष भारत के इतिहास के लिए, और जो लोग ये मानते हैं कि ये इतिहास में किसी बात का बदला लिया गया है, तो ये बहुत खतरनाक रास्ते पे हम जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम भारत जिस रूप में, जिस आधुनिक राष्ट्र के रूप में जिसकी कल्पना अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं,
जिसकी की गई थी, उस देश को पीछे ले जाने की बात है। हम उम्मीद तो ये करते थे कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनेगा, अपने सारे नागरिकों को न्याय, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता जैसे मूल्य उनको उपलब्ध कराएगा। हर एक नागरिक ये महसूस करेगा कि उसे बराबरी का हक है हिंदुस्तान के अंदर, उसे लगेगा कि ये देश अपना है। लेकिन ये जो पूरी अवधारणा थी, इससे कहीं अलग ले जाने की कोशिश इस समय हो रही है, और चाहे उसको जितना भी जायज ठहराने की कोशिश की जाए, ये कहते हुए कि अब एक नए भारत का निर्माण होगा और जो अभी तक भारतीय गणराज्य की कल्पना थी, अब उससे एक नया अलग गणराज्य यानी कि हिंदू राष्ट्र अब बनेगा, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये भले ही इस समय ऐसा लग रहा होगा कि इनका वर्चस्व है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, लेकिन भारत के संविधान में जो मूल्य लिखे गए हैं उसमें इस देश के लोगों की गहरी आस्था है। इस देश के लोगों ने लोकतंत्र पे जब भी हमला हुआ है कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी तानाशाह को सत्ता से बाहर किया गया। इस बार फर्क सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति नहीं है, हम पूरे एक संगठन, एक पूरी एक विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई थोड़ी कठिन है और धीरे धीरे करके उसने शासन प्रशासन के तंत्र, न्यायपालिका और अन्य जो संस्थान हैं हमारे लोकतंत्र के अंदर, जिसमें चुनाव आयोग है, रिजर्व बैंक है या CBI है या और जो भी इस तरह के संस्थान हैं जो स्वायत्त हैं, इन पे कब्जा कर लिया है और इस हद तक कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने धारा 370 तो ख़त्म की ही। ये बात सही है कि कांग्रेस ने उसको कमज़ोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम ये मानते थे कि कश्मीर के राजा के साथ भारत की सरकार का एक समझौता हुआ था, कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था और कश्मीरी भी ये मानते थे कि उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं भारत की जनता की तुलना में, और हम भी ये मानते थे कि कश्मीर को हमने कुछ वादा किया था और कुछ हद तक उसके एक विशेष दर्जे का सम्मान होता था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म ही नहीं किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे राजनीतिक दल जिन्होंने एक तरीके से भारत की सरकार के लिए कश्मीर में लोकतंत्र को चलाने का काम किया, क्योंकि हमें मालूम है कि कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग जो एक स्वायत्त कश्मीर, कुछ लोग तो स्वतंत्र कश्मीर की भी कल्पना करते हैं, लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए वहां लोकतंत्र को चलाने का काम किया और जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, उन इन दोनों पार्टियों के साथ उसका गठबंधन पूर्व में हो चुका है, उनके बड़े नेताओं को इस तरह से अपने घरों में नज़रबंद किया गया है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो या वो आतंकवादी हो। खैर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तो रिहा हो गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती आज भी नज़रबंद है अपने घर में, और कश्मीर के आम नागरिक के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत में भी धीरे धीरे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर आप किसी बात को लेके कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहें तो आज की पुलिस आपको कहीं प्रदर्शन नहीं करने देगी। अगर आप किसी प्रदर्शन में शामिल हो और जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन में हुआ कुछ हिंसा हुई, तो उस हिंसा से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश लाया गया है कि जो लोग आंदोलन में शामिल थे उनसे उसकी भरपाई कराई जाएगी। ये अब एक नई बात है देश में, तमाम आंदोलन हुए
हिंदुत्ववादी लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया और बाबरी मस्जिद को भंग कर दिया। जाहिर है उसमें भी हिंसा हुई, तोड़ फोड़ हुई, लेकिन वो अपने आंदोलन को तो जायज ठहराते हैं। वो जो राजनीति करते हैं कश्मीर में वो उसको तो जायज मानते हैं, लेकिन अगर कोई और अपनी राजनीति करना चाहे, कोई और विचारधारा यदि अपनी बात रखना चाहे, तो उस पर पूरी तरह से वो पाबंदी लगाते हैं। जो लोग उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डाला जाता है, और खास करके नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बिल्कुल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति, सिर्फ नागरिक नहीं, हर एक व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार है। इसलिए देखिए, आप जब इस देश में पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाता है कसाब, तो उसको सीधे फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है, उसे भी एक मुकदमा लड़ने की छूट मिलती है, उसका एक वकील होता है, उसका बाकायदा मुकदमा लड़ा जाता है, और जब अंत में ये साबित होता है कि हाँ उसका दोष था, वो दोषी है, तब उसको फांसी की सजा होती है। तो ऐसा देश जिसमें हर एक इंसान को न्याय के सामने बराबरी का अधिकार हो, भले ही वो भारत का नागरिक हो या ना हो, ऐसे देश में एक ऐसा कानून लाना जिसमें धर्म के आधार पे कुछ लोगों को इस देश की नागरिकता से वंचित करना, ये संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। इसलिए इसका विरोध हुआ जो जायज था, लेकिन उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे, अब उनको पुलिस बुला के एक एक करके उनसे पूछताछ कर रही है, और उसमें से कुछ लोगों को जेल में भी डाल रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। तो जो इस देश में हो रहा है वो हमारे संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं उनको खत्म करने का काम हो रहा है। इस देश को एक हिंदुत्ववादी तानाशाही देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तानाशाही इस अर्थ में कि जो बात RSS और भारतीय जनता पार्टी कहेगी उसी को सबको मानना पड़ेगा, और अगर आप उससे अलग सोचते हैं तो आपका इस मुल्क में कोई स्थान नहीं है। और इसमें सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे IIT कानपुर के, GD अग्रवाल, जो बाद में साधु बन गए, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद, और उन्होंने गंगा को बचाने के लिए, जिस गंगा के बारे में नरेंद्र मोदी ने बनारस में जाके कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, जब वो चुनाव लड़ने गए, उस गंगा को बचाने के लिए जो एक कानून की मांग कर रहे थे, और जिन्होंने अपने जीवन में 6 अनशन किए, 5 अनशन मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन कभी भी उनकी जान जाने की नौबत नहीं आई, लेकिन जब अपना 6ठा अनशन नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्होंने किया 2018 में, और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि मैं चाहता हूं कि गंगा के संरक्षण के लिए कानून बने और आप मुझसे बात कीजिए इस पे और इस कानून को बनाइए, उसका मसौदा तो उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में ही तैयार कर दिया था, लेकिन 4 चिट्ठियां नरेंद्र मोदी को लिखने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति उनसे बातचीत करने नहीं आया जो उनकी समस्या पे कुछ कर सकता था। सिर्फ उमा भारती मिलने आई, लेकिन वो किसी और विभाग की मंत्री थी, वो जल संसाधन की मंत्री नहीं थी, वो स्वच्छता वाले विभाग की मंत्री थी। नरेंद्र गडकरी बात करने आए नहीं, नरेंद्र मोदी ने बात करने के लिए उनको कोई संदेश नहीं भेजा, और अंत में प्रोफेसर GD अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, 112 दिनों के अनशन के बाद वो मर गए। उनकी जान इस हिंदुत्ववादी सरकार ने नहीं बताई। मतलब आप सोचिए कि एक हिंदू साधु जो गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो गंगा पे बांधों को रोकने की बात कर रहा था, जिससे कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए ठेकेदारों को फायदा होने वाला है, इसलिए उसकी बात नहीं मानी गई। या जो गंगा में अवैध खनन होता है, उन ठेकेदारों के खिलाफ GD अग्रवाल खनन को रोकने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार को अपने ठेकेदार ज्यादा प्रिय थे, और एक हिंदू साधु को और इतने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को उन्होंने मरने दिया।
और एक नहीं आज तक चार साधुओं की जान चली गई है और सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जो गंगा को बचाने की मांग कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि इनका ना तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, इनका ना भारत की आम जनता से कोई लेना देना है, क्योंकि अगर ये गंगा को बचाने का कानून बनाते तो इस देश के 41% लोगों को फायदा होता जो गंगा या गंगा के सहायक नदियों के किनारे रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का कहना था कि इनको गंगा से सिर्फ पैसा कमाने का काम करना है, इनको कोई चिंता नहीं है ना तो पर्यावरण की ना लोगों की, इनको सिर्फ अपनी सत्ता और सत्ता से मिलने वाले फायदे से मतलब है। तो आप देखिए किस तरह से ये अपने सत्ता का दुरुपयोग करके भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य से बदलकर उसको एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता ने कभी भी इस किस्म की तानाशाही और मनमानी स्वीकार नहीं की है, खास करके भारत में, पूरी दुनिया में नहीं जनता स्वीकार करती है। देखिए आप किस तरह से अमेरिका में एक अश्वेत आदमी की मौत के बाद पूरी जनता वहां खड़ी हो गई और इस तरह से खड़ी हुई कि आज अमेरिका का माहौल बदलने लगा। डेमोक्रेटिक पार्टी को कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना पड़ा है, जिसके पिता अश्वेत थे, माँ भारतीय थी लेकिन उनके पिता जमैका से आए थे। तो जो प्रगतिशील विचार है वही मानव जाति का भविष्य है, उसके बिना मानव का कोई भविष्य है नहीं। इसलिए ये जो धार्मिक कट्टरपंथी है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, इनका कोई भविष्य है नहीं। और भविष्य में जो धर्म की कल्पना है वो ऐसी होगी, धार्मिक स्थानों की कल्पना ऐसी होगी कि हर एक धर्म को मानने वाले का स्वागत होगा। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ साथी मिलके हम लोगों ने एक सर्वधर्म सद्भाव ट्रस्ट बनाया है अयोध्या में। हमारे मित्र आचार्य जुगल किशोर शास्त्री राम जानकी मंदिर के महंत हैं, वो हैं उसमें बिहार के दलित विद्वान प्रोफेसर हरि नारायण ठाकुर हैं, पटना से ट्रांसजेंडर साथी रेशमा उसमें ट्रस्टी हैं, और खुदाई खिदमतगार को दोबारा जिंदा करने का श्रेय जिनको जाता है हमारे मित्र फैजल खान, उसके ट्रस्टी हैं, मैं भी ट्रस्टी हूँ। हम लोग अयोध्या के अंदर एक ऐसे सर्वधर्म सद्भाव केंद्र का निर्माण करेंगे जिसमें दुनिया के किसी भी धर्म को मानने वाले का स्वागत होगा। मेरे मन में एक बहुमंजिली इमारत की कल्पना है जिसका भूतल हमारे जैसे नास्तिकों के लिए एक खाली कमरा छोड़ा जाएगा और उसके बाद इतिहास में जिस क्रम में जो धर्म आए हैं सबको एक एक मंजिल मिलेगी और हर एक धर्म को मानने वाले का वहाँ स्वागत होगा। वो अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से वहाँ जाके अपनी उपासना कर सकेगा। और इस भवन की खास बात यह होगी कि ऊपर गुंजाइश छोड़ी जाएगी कि जो भविष्य में नए धर्म आने वाले हैं वो भी अगर चाहें तो वो अपना भी एक मंजिला बना सकते हैं। तो एक ऐसी कल्पना जिसमें हर एक व्यक्ति का, हर एक धर्म को मानने वाले का स्वागत हो और धर्म लोक हित के काम में लगा हो, इसलिए हमने अभी से, अभी हमारा सर्वधर्म सद्भाव केंद्र बना तो नहीं है लेकिन हमने वहाँ गुरुद्वारे की तर्ज पे एक लंगर शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर धर्म और कोई काम ना कर सके तो कम से कम उसे इतना तो करना ही चाहिए कि उसे भूखों और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जिसकी कल्पना हर एक धर्म में है। सिख धर्म में लंगर की कल्पना है, इस्लाम धर्म में ज़कात की कल्पना है, दान देना हर एक धर्म में पुण्य काम माना जाता है। इसलिए वहाँ पे एक लंगर शुरू किया गया है कि किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी जाति का व्यक्ति वहाँ आके भोजन कर सके। और जो लंगर की कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हमारे मित्र दानिश अहमद हैं और उसकी कमेटी में कुछ दलित साथी भी शामिल हैं। तो स्पष्ट संदेश है कि किसी भी धर्म और जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इस केंद्र में और सब लोग मिलके इसको चलाएंगे, यही भविष्य की कल्पना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का भविष्य बनेगा जिसमें जाति, धर्म, लिंग
नस्ल या अन्य किसी भी मानव निर्मित श्रेणी के आधार पे किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम ऐसा मुल्क चाहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन ना हो, सीमा पे सेनाएं ना हो, सीमा के आर पार जाने की खुली छूट हो। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति है वो इसकी उल्टी दिशा में जा रही है। लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, एक दिन जरूर आएगा जब ये दिशा सही होगी और हम इस धरती पे एक मानवीय व्यवस्था को साकार कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे संपर्क करने के लिए आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं aashaashram@yahoo.com aashram@yahoo.com। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए।